सर ये क्या है, ये जैसा मैंने कहा ना लेगेसी की हम लोग बात कर रहे हैं, ये आप सब में चलता है? जो जो लेजेंड्स है इंडस्ट्री के, आई नो ही हेट्स दैट वर्ड बट मैं यूज करूंगा, जो जो असली लोग हैं इंडस्ट्री के, उनके अंदर है कि चलते फिरते मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं? सेम गोज फॉर सतीश सर, जब मुलाकात होती थी यही होता था सर, फ्रंट रो देख लीजिए, सेकंड रो देख लीजिए, थर्ड रो देख लीजिए, सब इंस्पायर करने वाले लोग हैं, लेगेसी वाले लोग हैं। पीछे मुझे नजर नहीं आ रहे, बट आई एम श्योर एवरीवेयर समबडी इज डूइंग समथिंग। आई डोंट नो आपने सवाल क्या पूछा, मगर ये पिक्चर बनाने के लिए सतीश ने बहुत पैशन तो इस्तेमाल किया ही किया, मगर बहुत जद्दोजहद भी की, क्योंकि व्हेन यू आर ट्राइंग टू मेक ए डिफरेंट फिल्म, लीग से हटकर फिल्म बना रहे हैं, फॉर्मूला फिल्म नहीं बना रहे हैं, तो उसमें डबल कन्विक्शन की जरूरत होती है, ना केवल ऑडियंस को, प्रोड्यूसर्स को, बाकी लोगों को कन्विंस करना होता है, अपने आप को भी कन्विंस करना होता है। और इसकी शुरुआत से मैं उनके साथ था, एंड ही वॉज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव द जैन ब्रदर्स एज हिज पार्टनर्स, प्रोड्यूसर्स, एंड ही इज देयर, मींस ही इज इन ऑल इमोशंस, वी कैन सी हिम, दैट इज द मैजिक ऑफ सिनेमा, दैट वेदर यू आर फिजिकली देयर और नॉट, बट यू आर ऑलवेज देयर फॉर थाउजेंड ईयर्स, एंड यू सी द person in all the emotions, you see him crying, you see him happy, you see him upset, you see him there. So why don't we do one thing, I would have preferred this picture to be without the flowers, because flowers put him in a certain bracket. I think it's better if we get the picture without the flowers. Can we get the picture here, and if we can remove it, because usko zyada phool pasand nahi the. मैं, मुझे लगता था कि मुझे बहुत एक्टिंग आती है, मगर मैं जब सतीश डायरेक्ट करता था या सतीश सेट पे होता था तो मुझे कैसे चलना वो भी बताता था। और एक शॉट में, इसमें नहीं है जावेद साहब वो शॉट, एक शॉट में उसको हाई स्पीड का शॉट था, वो उसमें आता है, कोर्ट में आता है, तो सतीश हाई स्पीड के शॉट में यूजुअली एक्टर तेज चलता था कि वो पर्दे पर स्लो दिखाए, तो वो जो है वो हाई स्पीड में ऐसे चल रहा था, तो मैंने कहा सतीश तेज चलने तो कल तक पहुंचेगा, कहता एक एक रोआ मेरा एक्टिंग कर रहा है, तू देखना जरा इसमें, एंड दैट्स व्हाट, यस थैंक यू सो मच। अनुपम सर जब तक यहाँ पे वो आ रहे हैं, मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा बताइए, व्हाट इज दैट वन क्वालिटी जो लगता है कि ये तो बस सतीश सर में थी, ये नहीं मिलती ऐसे आजकल के दौर में, ये नहीं होता? लॉयल्टी, unbelievable amount of loyalty with all those people who are sitting here. He was loyal to everybody, whether people have been nice to him, not nice to him, people broke his heart or something, his loyalty was never changed, right. And compassionate and optimistic, that's better, he's breathing now. Yeah. Sorry, I didn't mean to disrespect anybody who has done that. Whoa, he's looking handsome also. So, बिल्कुल दोस्तों के बीच की बात है, किसी को कुछ नहीं लगेगा, ऑफ कोर्स इट्स बिटवीन यू एंड हिम, सो आई थिंक दैट इज द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ही हैड, दैट्स व्हाई द दिस स्टॉलवर्ट्स फ्रेंड्स न्यू कमर्स जावेद साहब डेविड एवरीबॉडी बबलू जी यू डोंट सी देम इन एनी इवेंट, यू डोंट सी देम इन एनी इवेंट, इट्स हिज लव, इट्स द वे ही हैज बीन, दे हैव कम फॉर दैट एंड दे विल कीप कमिंग फॉर दिस, ऐसा नहीं है कि अभी I only believe that we gave him a great send-off as a human being and thought it was very important to give him a great send-off as a filmmaker, as a compassionate, passionate filmmaker. We used to make posters together when we were in drama school. But it's fine. Aaj main practice karke aaya hu ki main bada brave rehne wala hu. Kahin hai kahin. Bada manana pada mujhe Shashi, aapko aane ke liye. I'm so happy. And you're looking beautiful. Satish would have loved... to say the mind Satish aapne mujhe kaha tha ki mujhe bulwana mat hai na hai na magar par main ek baat bolun aapko sabse pehle aaj ka din Satish ki aaj ke din mein jaate the aur ye mujhe lagta hai kisi ko pata nahi hoga कि आज 9 तारीख है और मगर आज 9 फरवरी नहीं आज 9 फरवरी नहीं, पर हर महीना हर मंथ आता है ना, अच्छा दैट वे, हाँ
को 9 तारीख को 11 महीने हो गए, वो जो चाहते थे वही हुआ, उन्हीं के दिन आज ही उनका रिलीज हो रही है, अपना ये ट्रेलर रिलीज हो रहा है, और उनकी फिल्म भी वो चाहते थे थिएटर में रिलीज हो, तो वहीं पे रिलीज हो रही है उनकी फिल्म। तो रियली वो दिल से यानी चले गए हैं, बट यहाँ पे वो मौजूद हैं अभी भी। तो That's true, of course. आत्मा बसती थी ये फिल्म को लेके, उसको लेके टेंशनों में रहते थे घर पे, बात नहीं कुछ नहीं, पूछो तब भी वो नहीं मुझे बताते थे कुछ भी, मैं बैठी रह जाती थी क्या पूछू क्या नहीं पूछू, कुछ समझ में नहीं आता था मुझे। जी पूछिए आप। आपने सब कुछ खुद ही बोल दिया, क्या बात है। मैंने इस फिल्म की शूटिंग के दौरान बहुत बार इनके यहाँ खाना खाया, मैं तो पहुंच जाता था इनका, शशि वो मुझे फिर बाद में चुपके से बोलता है, अब आज मैं बता सकता हूँ कि मैं आपको कहता सतीश मैं खाना खाने आ रहा हूँ, कहता तू एक्टिंग कर मुझे मैसेज भेज सडनली, तो मैं शशि को मैसेज दिखाऊंगा कि अब ये खाना खाने आ रहा है बताओ क्या करना है। शशि जी मुझे, हाँ, और शशि जी मुझे फोन करके बोलती थी ये मुझे झूठ बोल रहे हैं, आप लोगों का प्लान हो चुका है तो आ जाइए आप खाना। मैं ये बोलती हूँ बता दो खाना क्या है जिससे मैं कुछ और बनाऊं और आपको पसंद नहीं आए। आपका आपका खाना मुझे अच्छा लगता था। आई एम वेरी प्राउड दैट योर नेम इज देयर इन दिस एज अ प्रोड्यूसर शशि सतीश कौशिक, दैट इज द बेस्ट थिंग। एंड मुझे ऐसा कुछ खास पूछने को है नहीं, पूछने नहीं सर, मैं सच बताऊं यहाँ कुछ सवाल जवाब की बात नहीं है, ये जो हो रहा है ना ये बातचीत ही अपने आप में अगर चलती भी रहेगी हम लोग बस। आई सर्टनली वॉन्ट टू से वन थिंग, यूजली एन इवेंट लाइक दिस हैपन एंड यू थिंक दैट ये शायद इवेंट फिल्म की मार्केटिंग में हेल्प करेगा, कोई जरूरत नहीं हमको मार्केटिंग की हेल्प करने की, किसी को मत बोलिएगा कि ये पिक्चर सतीश की आखिरी फिल्म थी या इसलिए आपको जरूर देखनी चाहिए, ये फिल्म आपको इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि जिस मुद्दे पर सतीश ने बिलीव किया था उस मुद्दे के लिए देखनी चाहिए, दैट इज व्हाट। जयंती भाई ठीक कह रहा हूँ ना मैं, आपके हाथ तो बातचीत करते रहते थे, तो आई थिंक दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। We were not initially thinking of having an event. Then we decided, Ratan ji, हमने गणेश जी ने डिसाइड किया कि नहीं, we should have it an event like this. And I'm so happy that Hashi, you dressed up. You look very beautiful as always. And Thank happy you. To see you. Thank you. Happy to see you. You are the best. Thank you. So I've never said this to you, you are the best, but I always said that you are the best. है ना? मैं ना कभी नहीं बोला ना? और क्या शिकायतें हैं उसे, चलो आज कर ही डालो, नहीं नहीं बोल ही डालो आज, क्या शिकायत? जाने के बाद मैं कोई शिकायत नहीं रही। अच्छा मतलब पहले थी, पहले थी है ना। अच्छा व्हाट वाज द बेस्ट क्वालिटी दैट ही हैड? वो जो आपने अभी बताई थी कि वो बहुत ही लोगों के दोस्ती करते थे तो वो निभा देते, ये सही बात है, चाहे कोई उनके उनको कुछ ही बोले पर वो अपना फर्ज पूरा निभाते। Yes, कभी yes. कभी मैं भी बड़ी वो हो जाती थी कि क्या सतीश आप ये कर रहे हो, बोलते नो ये मेरा, हाँ तो ऐसा ही था बचपन से, ऐसा था मेरे साथ तो 45 साल निभाई ना दोस्ती उसने। आप मेरा शादी कितने साल निभाई? सतीश को शशि को कैलकुलेट करना पड़ेगा कितने कौन से महीने में। अच्छा किस शादी किस तारीख हुई थी ये तो बता दो। That is the best relationship when you don't remember the marriage dates. Seriously, I don't also remember. 26 August. Thank God. हाँ जी, but thank you so much, ma'am. आप आए यहाँ पर और इस इवेंट नहीं कहूंगा मैं, इस पल की शोभा बढ़ाई उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो ब्यूटीफुल वाला कॉम्प्लीमेंट मेरा था, सर ने ले लिया, बट मैं फिर बोलूंगा यू लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। एक बार जोरदार तालियां शशि जी के लिए। Here to grace the occasion. Please मुझे बताएं सर, जब भी आप सब की बात होती है, वीनस की बात होती है, पूरे परिवार की बात होती है, सिनेमा को हमेशा से आप लोगों ने बड़े बखूबी उसको सपोर्ट किया है। अभी यहाँ जो ये इस तरह की फिल्म है, सर ने बोला भी थोड़ा बीट से हटके फिल्म है, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? नहीं, सतीश जी तो बहुत ही अच्छे इंसान थे, उन्होंने हमारे साथ एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था गैंग ऑफ घोस्ट, उसके बाद एक और भी फिल्म बनाई हुई है जी। और ये अभी जो फिल्म बन रही है वो बहुत ही अच्छी फिल्म है, और हमारे खास अच्छे दोस्त थे, बहुत ही प्यारे दोस्त थे, तो उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है, इतने क्रिएटिव थे, हर चीज को बोलते थे कि ये फिल्म जब रिलीज होगी तब देखना आप, पूरे हिंदुस्तान में ये चलेगी। राइट, जिंदा दिली बहुत जानते हैं ना, वो उनके साथ जाता है, बहुत ही जज्बा था उनका, बहुत ही अच्छा जज्बा। सर यू लाइक टू एड समथिंग टू दैट? नहीं जी, हाँ
बहुत अच्छे दोस्त थे सतीश जी, जी और बहुत ही पैशनेट मेकर बोल सकता हूँ, और अपनी फिल्म के बारे में वो सब कुछ करने में तैयार थे। मतलब कई बार ऐसा होता था कि सपोज मैं उनको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि आज मीटिंग करनी है मुझे, वो फोन करके बोलते थे मैं ऑफिस आ जाऊं, और मैं कई बार कोशिश करता आज नहीं कल तो नहीं आपकी कोई मीटिंग है, हाँ मैं 3 बजे किसी में ठीक है मैं 5 बजे आता हूँ। मतलब उनका ऐसा था कि वंस ही डिसाइड्स, और वो 5 बजे मतलब 4:45 बजे टक 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 करके मेरे कमरे में पहुंच जाते थे। तो उनका अपना जो काम उन्होंने दिल में सोचा हुआ था ना वो करने के लिए वो किसी भी टाइम मतलब वक्त अपना निकाल देते थे, बहुत ही कमिटेड। और पर्टिकुलरली इस फिल्म से वो काफी जुड़े हुए थे, जैसे गणेश ने बताया कि वो हमेशा अपने प्लानिंग बताते थे कि रिलीज पे मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, इसको मैं ऐसे प्रमोट करूंगा, मैं मतलब उनकी कई तरह की बातें रह गई उनकी, हम आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल, यू नो ही वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड बिकॉज़ कोविड हो गया था और लॉकडाउन में कागज वन जिसके लिए वो 15 साल तक कोशिश करते रहे, 15 साल तक। तो ही वॉज वेरी कीन ऑन वॉन्टिंग द फिल्म टू बी ऑन अ बिग स्क्रीन एंड इट डिड वेरी वेल ऑन OTT, सो ही वॉज वेरी श्योर कि इस फिल्म को तो मुझे पर्दे पर ही देखना है बिकॉज ही वॉज ऑलवेज ही वॉज लार्जर देन लाइफ, सो ही वॉन्टेड द फिल्म टू बी ऑन द लार्जर देन लाइफ प्लेटफॉर्म। राइट, सतीश जी मेरे खास दोस्त थे, वैसा हम तो भूले ही नहीं है, मैं या मेरी फैमिली हम लोग डेली याद करते हैं, और मतलब मुझे लगता है कि अगर बॉम्बे में है तो ऐसा कोई दिन नहीं है जो हम नहीं मिले। मतलब उनको काम करने का शौक था, और ये फिल्म की बात करें तो मैं वाइफ और सतीश जी जिंदाल गए थे हेल्थ बनाने, लेकिन वो हेल्थ नहीं बनाते थे, फिल्म ही बनाते थे, सब क्रिएटिव लोगों को वहाँ भी बुलाते थे, ऐसे दिन भी थे। तो ये फिल्म उनसे बहुत जुड़ी थी, मतलब एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि जो ये फिल्म की बात नहीं करी होगी उन्होंने, और अच्छा है कि वापस हमारी किस्मत है कि हम रिलीज कर रहे हैं इसको। Absolutely, sir. Thank you so much for that. Ladies and gentlemen, the two youngsters who are amazing on the big screen in this movie. So, hello everyone. दर्शन साहब बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू। कागज 2 और आप और ये रिश्ता प्लीज थोड़ा बताइए, बिकॉज इससे पहले हमने अनुपम सर के साथ आपकी बड़ी कमाल की केमिस्ट्री देखी है, यहाँ ये सतीश सर के साथ भी देखने को मिल रही है, प्लीज टॉक टू अस अबाउट दैट। सतीश जी के साथ बहुत पुराना कनेक्शन है मेरा, मैं जब स्कूल में था तो उन्होंने मुझे अपनी फिल्म में कास्ट किया था, दिल्ली में फिल्म शूट करनी थी और वहीं मेरा ऑडिशन हुआ था, सो तब से लेकर आज तक हम बहुत बार फिल्मों के लिए मिलते रहे बीच में, लेकिन वर्कआउट नहीं हुआ, और इस फिल्म के लिए वो इतने पैशनेट थे कि एक एक सीन जब हम शूट कर रहे थे तो मैं जब कैमरे के सामने होता था तो देखता था कि वो पीछे से पूरी एक्टिंग कर रहे होते थे मेरे सीन की भी, और बड़े जोश में आते थे और बोलते थे दर्शन थोड़ा सा और ला और ये ला वो ला, और मैं उनके पहली बार मैं अभी भी मुझे समझ में नहीं आता कि वो यहाँ हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि वो मुझे बार बार कॉल्स करते थे हर सीन एडिट करने के बाद कि तुमने इस सीन में ऐसा किया, तुमने उस सीन में वैसा किया, तुम्हें इस फिल्म के बाद देखना तुम कहाँ पहुँचोगे, ही वॉज लाइक अ फादर तुम। और हमारी एक दो फिल्म की और भी बात चल रही थी आगे की, तो आई स्टिल कैनॉट बिलीव दिस कि वो हमारे बीच में नहीं, और मैंने इतना सीखा है उनसे क्योंकि वो हमारे लेजेंड हैं, वो कमाल के एक्टर थे बोलता मुझसे बड़ा भारी हो रहा है, लेकिन कमाल के प्रोड्यूसर डायरेक्टर, उनके म्यूजिक सेंस जो आज सॉन्ग आज रिलीज किया है, वो सॉन्ग अभी ऑलरेडी मेरे फ्रेंड्स का कॉल आ रहा है कि कितना कमाल का सॉन्ग है, और वो खुद बोलते थे, स्मृति भी गवाह है कि वो बोलते थे ये देखना सॉन्ग क्या कमाल करेगा, और वो हो रहा है अभी ऑलरेडी। तो आई थिंक ये हम सब के लिए बहुत बड़ा लॉस है वो हमारे बीच में नहीं है। स्मृति, फॉर यू कैसा रहा पूरा एक्सपीरियंस और जर्नी इस फिल्म की अगर मैं आपसे कहूँ? I feel very fortunate and very honored that sir gave me a chance, and you know many a times words fall very short, you know words are not able to express one what one feels, but अभी मैं बैठी हुई थी and I was listening, तो आपने प्रश्न पूछा था कि वो एक क्या quality है, and I think so सबने अपने शब्दों में वो बयान किया, childlike heart and innocence and purity, it's very very rare, and And I don't know why when I was sitting, मुझे कबीर का दोहा याद आ रहा था, मेरे को शब्द तो नहीं याद, जैसे एक कुम्हार होता है वो ऐसे एक क्या बोलते हैं उसको पॉट को, हाँ वो अंदर से घड़े को हंज,
तो उसको अंदर से ऐसे सहारा दे के बाहर से ऐसे पीट पीट के उसको शेप देता है. सो ड्यूरिंग दिस शूटिंग सर हैज मोल्डेड मी एंड वट एवर यू सी ऑन स्क्रीन इज प्राइमरली. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. हाँ जी हाँ जी. तो सर अब आपने यू हैव टू स्पिल सम बीन्स, थोड़ा बताना पड़ेगा सर. ओह देयर आर लॉट ऑफ बीन्स. रियली? देयर आर प्लेंटी ऑफ बीन्स. ओह गॉड, देयर आर प्लेंटी. हम तीनों में जेलसी का एंगल था एक. बहुत, हम तीनों को एक ही मोहतरमा पसंद आ गई थी और हम में से किसी को नहीं मिली. वो किसी और के साथ चली गई. या बट बहुत मजा आया था. हम लोग साथ में पढ़ते थे एनएसडी में और बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स हमारे साथ रहे हैं. अनुपम, सतीश, मैं और बहुत अच्छे पल गुजारे हम साथ में. सारे बीन्स तो बताना मुश्किल है. सर कभी ऐसा होता था कि हम एक दिन ना कोलैबोरेट करेंगे सब लोग? यूजुअली ये होता है बैचमेट्स में, क्लासमेट्स में, कि यू नो एक दिन ना तू, मैं और ये, हम साथ में कुछ करेंगे. हाँ, हम लोगों ने जब स्कूल में भी थे एनएसडी में तो हम लोग साथ में ही काम करते थे. सभी एक्टर्स थे मगर सबके जो प्रोजेक्ट्स होते थे या काम के, कभी हमारे में ऐसा नहीं था कि ये रोल वो क्यों कर रहा है, ये रोल वो क्यों कर रहा है. हम मिल के काम करते थे तो वो फीलिंग तो हमें थी. और ये तो उस वक्त नहीं सोचा था आगे कैसे काम करेंगे, बट ये बात तो थी कि जरूर जब आगे कभी मौका मिला तो जरूर साथ में काम करेंगे और वो हुआ. Absolutely. I mean, it's a different kind of a story. But these are, मैं इसको विलन बना रहा हूँ और we got to spend some time together after a long time because yes. when you're in hostel, you're a day scholar, you spend a lot of time. But I think that was a very good way. Another friend of our, Karan Razdan, who was also our class fellow, who is also in the film, then Nina Gupta. We had great time together during the shooting of this film. Absolutely. We came closer if there was a possibility of doing that. Yes. बहुत मजा आया था शूटिंग के दौरान और साथ में एज अनुपम से बहुत अच्छा टाइम बीता है शूटिंग के वक्त भी और शूटिंग के बाद भी. बस आप आगे कागज के बारे में, क्यों कागज इम्पोर्टेंट है? बिकॉज बिकेगा तो वही. जावेद साहब, thank you Vivek for coming. You have promised me that you will come. That's a chair. Chahiye aapko ki nahi? Ha nahi, main na nahi chahiye. आपने कहा है कि मैं कागज पे बोलूं, लेकिन कागज पे तो कभी भी बोला जा सकता है. आज तो सतीश पे ही बोल रहे हैं सब और सतीश पे ही बात. मैं तो कई घंटे बोल सकता हूं उसके बारे में, लेकिन चलिए थोड़ी जो एक दो चार बातें याद आ रही. मैंने सतीश को पहली दफा पृथ्वी थिएटर में एक प्ले गिधाड़े करते देखा था. मैं जानता भी नहीं था कौन है. तो जब वो प्ले खत्म हुआ तो मैं बाहर निकला तो वहीं आपके एनएसडी के दो चार लड़के खड़े थे. कौन था मैं नाम नहीं लेना चाहता. तो मैंने उससे पूछा कि ये एक्टर कौन है. देखिए दोस्त से बेहतर दुश्मन तो हो ही नहीं सकता ना कोई. तो उन्होंने, वो सतीश के दोस्त थे, कहने साहब ये शौकिया एक्टिंग करता है थिएटर में, वरना वो तो किसी फैक्ट्री में काम करता है. तो मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ. मैंने कहा इतना टैलेंटेड आदमी है, हम सोचते कि इससे काम वाम दे, कुछ फिल्मों में ले, तो ये तो करते ही नहीं है. चले आए भाई. उसके कई साल बाद मेरी उससे दोबारा मुलाकात हुई. तो मैंने उससे कहा कि आप क्यों फैक्ट्री में काम करते हैं, आप क्यों एक्टिंग पूरी नहीं. तो कहना कौन सी फैक्ट्री में काम करता हूँ, ये किसने आपको बोला. तो मैंने कहा कि भाई फला, अरे कहने वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं. मैंने कहा इसीलिए कहा. तो उसके बाद हम सागर में एक रोल हमने उसे, मेरे ख्याल से शायद वो पहली पिक्चर थी उसके बाद जाने भी दो यारों के बाद. तो रमेश सिप्पी साहब से मैंने मिलवाया. मैं बहुत अच्छे एक्टर हैं. तो रमेश सिप्पी ने कहा ऐसा कीजिए अपना कुछ काम मुझे दिखा दीजिए. तो कहने सर वो मैंने एक फिल्म में काम किया जाने भी दो यारो, तो मैं आपको वो कैसेट दे दूंगा. मैंने ठीक है. बाहर आए, मैंने कहा ये बेवकूफी कभी मत कर देना, क्यों दिखा देना, उसमें बहुत सारे अच्छे एक्टर हैं, क्या पता वो किसी और को ले दे. तुम बोलना कि मुझे सर कैसेट मिल ही नहीं रहा. तो अल्टीमेटली खैर उनको उस फिल्म में ले लिया गया. उसके बाद हमारी बहुत गहरी एसोसिएशन रही. फिर शेखर का जब वो चीफ असिस्टेंट था तब भी था, फिर जो उसने पिक्चरें बनाई जो मैंने लिखी थी, उसने अच्छा डायरेक्शन दिया था, मैंने खराब स्क्रिप्ट लिखी थी इसलिए गड़बड़ हो गई पिक्चर. लेकिन आपको एक बात कहूँ कि
जिंदगी जैसे जैसे तेज चलना शुरू हुई तो पहले लोगों ने बेकार बातें सोचना छोड़ दिया, फिर और तेज हुई तो फिर बहुत सारी जो जज्बाती बातें होती हैं वो भी करना छोड़ दी, वक्त ही नहीं है। अब आज दुनिया वहां है जहाँ सिर्फ जिससे फायदा है वो बात, जिससे फायदा है वो काम, जिससे फायदा है वो आदमी, बाकी सब बेकार। मगर ये कमबख्त के साथ भी है, कोई दिन नहीं होता जो मुझे जाता है, कोई दिन नहीं होता। और ये मेरी खूबी नहीं है, अगर मेरी खूबी होती तो मुझे बहुत सारे लोग याद आते, ये उसकी खूबी है। सिंसियरिटी, मोहब्बत, अनकंडीशनल लव जो दे सके एक आदमी, वो आदमी जो आप दुखी बैठे हो, परेशान बैठे हो, वो आ जाए तो आप दुनिया के सारे दुख भूल जाएंगे। वरना सिंसियर लोग आमतौर से बड़े बोरिंग भी होते हैं, मगर वो दिलचस्प आदमी, वो आपके अंदर कहीं भी छुपी हुई खुशी जो है तो ढूंढ के निकाल के ले आता था। कैसा उसमें पैशन, कैसी दोस्ती, कैसी सिंसियरिटी, कैसा सेंस ऑफ ह्यूमर, बहुत रेयर आदमी था वो। और सही बात है कि वो लोग जो उसे करीब से जानते थे, मेरे लिए तो छोटा भाई था, दोस्ती होती तो क्या, ही वॉज अ फैमिली मेम्बर फॉर मी, तो वो याद तो हमेशा आएगा। और सिर्फ ये कि हम उसे याद कर लें काफ़ी नहीं, उसके इतने सारे जो गुण हैं उनमें से एक गुण भी अगर हम अपने साथ हमेशा रखें तो ये होगा ट्रिब्यूट उसको। किसी से उतने सिंसियर हों, हमें भी वो सेंस ऑफ ह्यूमर हो कि हम किसी दुखी आदमी को मुस्कुराने के मजबूर कर दें, हंसा दें। जहाँ वो जाता, मतलब वो महफिल में जब वो एंटर होता तो 10 आदमी बैठे, सतीश कौशिक आया तो एनर्जी लेवल चेंज हो जाता, कोई शक ही नहीं उसमें। यानी ये कोई मोहब्बत से मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक रियलिटी है कि वो द रेयर मैन। और उसके जाने का मुझे तो बहुत दुख है, मैं तो यकीन नहीं रखता हूँ कि मौत के बाद भी कुछ होता है, मैं तो एथीस्ट हूँ, नास्तिक हूँ, तो मुझे बहुत गम है इसलिए कि मुझे मालूम है कि वो नहीं है। लेकिन उसकी यादें हमारे साथ हैं, उसकी खूबियों की इज्जत हमें, और बस यही एक ट्रिब्यूट हम उसे दे सकते हैं, बाकी सब बातें हैं कि उसकी कोई खूबी अपने में पैदा कर लें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। That's such a wonderfully said thing. जावेद साहब, आपने मुझे आपने एक किस्सा सुनाया तो मैं आपको अपना एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ जिसमें आनंद इन्वॉल्व है। जैसे आपको किसी के दोस्त ने कहा था ना कि ये तो फैक्ट्री काम करता है, मैं सोहनलाल कंवर जी को मिलने गया था। सोहनलाल कंवर जी अच्छा स्ट्रगलिंग एक्टर था, हमारे पास कोई फोटो ऐसी होती नहीं थी कि जो राकेश श्रेष्ठा ने खींची हो या गौतम राजा ने खींची हो, हमारे पास तो थिएटर की फोटोग्राफ बुरी सी फोटोग्राफ होती थी नाटक की, तो मैं वो यहाँ रख के जाता था। अच्छा उन दिनों मेरे बाल थे तो स्याही यहाँ लगाते थे ना, तो बारिश पड़ रही थी तो मेरा पूरा चेहरा नीला हो गया था स्याही लगा के, तो पहले तो रिसेप्शनिस्ट का मुंह धो के जाओ। सोहनलाल कंवर जी राम केलकर साहब के साथ बैठे थे, तो उन्होंने कहा कुछ नाटक वाटक किया है, कुछ प्ले फोटो दिखाई है, तो मैंने अपनी फोटोग्राफ 10-15 फोटोग्राफ अपनी उनको दे दी नाटक की। तो मेरी फोटोग्राफ देख के राम केलकर जी कह रहे तो कमाल है, इतने कमाल है, वो देखो इतने कितना जबरदस्त एक्सप्रेशन है इस फोटो से भी, इस फोटो से। मुझे लगा यहाँ से तो मेन रोल मिला ही मिला। थोड़ी देर बाद वो सोहनलाल जी कहते तू तो ठीक है, तेरे पीछे कौन खड़ा है? मैंने कहा जी ये मर गया लास्ट मंथ, वो आनंद देसाई था। तो ये दोस्ती में ही होती है जो इस तरह की बातें हम लोग कर सकते हैं। एंड ये सतीश भी अपने किस्से सारे इस तरह को हमेशा बोलता था कि देखो मैं लुक्स के डिपार्टमेंट में तो बहुत कंफर्टेबल हूं मैं, सिर्फ ये साला ये इंटेलेक्ट नहीं है मुझ में। तो आपने कहा ना जो जिस भी महफिल में जाता था, या इट्स आई थिंक वी कैन गो ऑन एंड ऑन फॉर इयर्स टुगेदर टू टॉक अबाउट हिम, बट कागज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस वॉज हिज really very passionate project. I don't know how to say that, how to explain, translate that into it, because I've never seen him, I've done so many films with him, I've never seen him so passionate about a project. He said, nahi tu dekh iska abhi ye kanoon aa gaya, there is another poster jis pe likha tha article 19 versus article 21 which has happened now,
So yes, sorry, I'm doing your job, but this is one place I will be doing my job. All of us. आज आई थिंक सब कुछ सब लोगों ने बहुत कुछ कह दिया है और मेरे पास एक्चुअली कुछ अल्फाज नहीं बचे हैं बोलने के लिए. किसी ने बोला कि वो बहुत हसमुख थे. ही वॉज दैट काइंड ऑफ एनर्जी हु वुड वॉक इनटू अ रूम एंड बाकी सब यू नो. तो सतीश जी के साथ एक काफ़ी लंबा मेरा हो रहा है. हम लोग एक उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट मुझे सुनाई थी एंड ही सेड भूमिका वी विल प्रोड्यूस इट टुगेदर एंड आई वांट यू टू डू इट. बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया बिकॉज जैसे बोलते हैं ना हर किसी को एक अलग तरीके से देख रहे थे. तो उन्होंने स्क्रिप्ट वाज दैट ऑफ अ लेडी हु वाज अ पंडित एंड बैक कैरेक्टर उसका कुछ और ही था. And what she does is an kind of an underworld of. So it was a very, very different script he had narrated, but unfortunately, नहीं हो पाई. उससे ज़्यादा जो गम है, जैसे सर ने बोला, सबसे ज़्यादा जो होता है, एक पार्टनर को होता है. हम सब तो बाहर के हैं, पर एक सबसे ज़्यादा जो एक लॉस होता है, वो एक पार्टनर का होता है. And शशि जी में God always give you the strength. And सबसे ज़्यादा वंशिका को God bless. Thank you so much. Thank you. Welcome भाई. Thank you so much. बहुत शुक्रिया ये करने के लिए and यहाँ हम सबसे मिलने के लिए. श्री विनय जी को भी बुलाना चाहूंगा. BGM की अगर हम बात करें तो यहाँ इतने बड़े बड़े महान लोग मौजूद हैं कि उनकी मौजूदगी में माइक हाथ में लेकर कुछ बात करना बड़ा नामुमकिन सा लगता है. पर थोड़ी सी कोशिश करूंगा. जावेद साहब और अरबम खेर साहब, डेविड सर, सारे बड़े लोग बैठे हैं यहाँ पर. एक छोटी सी बात मुझे जहन में आ रही है कि हम लोग जब से म्यूजिक कर रहे हैं, जब से इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो काफ़ी अरसा गुजरने के बाद एक ऐसी फिल्म का म्यूजिक करने का मौका मिला कि जिसके सारे गाने सतीश सर के कैबिन में बैठ के बने. ही वॉज ऑलवेज ऑलवेज सो पैशनेट अबाउट द म्यूजिक. मुझे गाने ना व्हाट्सएप पे, बिकॉज आज का दौर, आई एम श्योर जो लोग आज के दौर में काम कर रहे हैं, दौर थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है कि लोग व्हाट्सएप पे गाना भेज दो, मेल कर दो, ऐसा गाना सुना दो, वैसा गाना बना दो. बट ही वॉज लाइक ऑलवेज ही यूज टू कॉल मी एंड शारिब इन द ऑफिस के तुम दोनों भाई ऑफिस आ जाओ और यही मेलोडी बनाएंगे और यही राइटिंग करेंगे. देन विराग, इफ विराग भाई मौजूद है यहाँ पर, रश्मि विराग, देन मी, शारिब एंड विराग भाई, हम तीनों बैठे करते थे ऑफिस में. और वही स्टोरीज होती थी हम लोग के लिए. बिकॉज वी कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, जयपुर से हैं सर हम लोग, तो हमारा बचपन कैलेंडर, मुद्दू, प्यारे मोहन, तो वो हर एक कैरेक्टर की, हर एक पिक्चर की कहानियां, फिर वो स्टोरी सुनाते थे, फिर वो माहौल ऐसा होता था कि लगता नहीं था कि म्यूजिक बना रहे, लगता था इट्स अ ट्रीट. एंड एवरी मिनट वी स्पेंड विद हिम वाज अ फैन मूवमेंट फॉर अस, क्योंकि बचपन से उनको देखा है, उन्होंने जिस तरह से हमें हंसाया है, जिस तरह से सबकी जिंदगियों में खुशियां बांटी हैं, तो वो एक हर बार का एक्साइटमेंट होता था कि आज सतीश जी के ऑफिस जा रहे हैं, कुछ मजा आएगा, कुछ नई स्टोरी मिलेगी. इनफैक्ट वी शॉट वन वेब सीरीज विद हिम, पॉपकॉर्न करके एक वेब सीरीज आई थी जिसके अंदर हमने भी म्यूजिक के साथ एक थोड़ा बहुत एक्टिंग का रोल जो है वो साथ में किया था. तो शूट होता था या उसके अलावा हम लोग साथ बैठे होते थे और सतीश जी की कहानियां चलती रहती, जैसे अभी डेविड सर ने सुनाई, अनुपम सर ने सुनाई. सो ही वॉज लाइक एक बच्चा होता है जिसके अंदर चाहत और काम करने का पैशन. कभी कभी हमें ऐसा लगता था कि यार हम क्या कर रहे हैं, मतलब ही वॉज सो पैशनेट. और उनका काम करने का तरीका कि कंपोजर को किस तरह का कंफर्ट देना चाहिए जिससे उसका जो म्यूजिक है फिल्म का अच्छा बाहर निकलेगा. सो इट वॉज अमेजिंग एंड अ ग्रेट फीलिंग वर्किंग विद हिम. बाकी तो सूरज को दिया दिखाने जैसी बात है. सतीश कौशिक सर इज ऑलवेज एंड लास्टली जस्ट वन लाइन दैट वी बीइंग फॉर्चुनेट एंड सो लकी, वी फेल सो लकी दैट के वो आखिरी वक्त जो हमने उनके साथ गुजारा है, हम बहुत खुशकिस्मत समझते हैं अपने आप को. बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी. उनकी शख्सियत दो को बयान करना बड़ा मुश्किल है, बट ये शेर बड़ा चस्पा होता है उनकी शख्सियत पर कि आपसे झुक के जो मिलता होगा उसका कद आपसे ऊंचा होगा. सतीश जी के
धड़कन को कैसे पता है कि दिल से कैसे जो रिश्ता है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट। मैं अभी भी अपने ड्राइवर को बोलता हूँ जरा सतीश के ऑफिस ले ले, अभी भी जब उस तरफ से जाता हूँ। अनफॉर्चुनेटली मेरी सारी डबिंग्स जो हैं, सारा जो पोस्ट प्रोडक्शन काम है, उसकी बिल्डिंग के सामने ही चलता है। इट्स डिफिकल्ट, सो डिफिकल्ट टू, इट्स लाइक एवरी मॉर्निंग आई यूज टू कॉल हिम अप एवरी डे, एवरी डे। सो इट्स डिफिकल्ट टू, देयर इज अ एम्प्टीनेस, एक खालीपना है जो कभी नहीं भरने वाला। इस हकीकत के साथ जीना है, वो जीने की मजबूरी है। मतलब सॉरी शशि, आई नो दैट योर लॉस इज मच बिगर एंड मच डीपर बिकॉज यू लिव्ड विद हिम थॉट्स, बट आई न्यू मेनी इयर्स मोर देन आई न्यू यू, एंड ही वाज लाइक ए बैड हैबिट। यू कैन गेट रिड ऑफ गुड हैबिट्स बट यू कांट गेट रिड ऑफ बैड हैबिट्स। आई विश आई वॉज राइटर, आई कुड डिस्क्राइब इट, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब कि क्या यादें हैं क्या यादें नहीं है। हर चीज में यादें हैं, हर चीज में। वो आनंद फिल्म देखी थी आपने, राजेश खन्ना, उसको तो पता था कि क्या होने वाला है उसके साथ, इनको तो पता है, बट ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज अ हैप्पी मैन, ही स्प्रेड हैप्पीनेस। था कागज का, इस फिल्म को अगर मुझे याद है तो सलमान खान ने प्रोड्यूस किया था उसमें, मतलब उन्होंने जी। तो अगर आप या गणेश जी कहना चाहोगे, लेकिन उनके सेकंड पार्ट के लिए वो कोलैबोरेशन नहीं था, और अगर यू नो क्या रीजन था एंड इनके पास कब अप्रोच हुआ था ये फिल्म एक्चुअली सेकंड वाली जो पार्ट? नहीं, ये तो आपके लिए सवाल है कि आप लोग में से कैसे। सलमान जी ने तो जो पिक्चर प्रेजेंट की थी या जो भी उनके साथ बनाई थी वो तो बहुत अच्छी बात थी, लेकिन जब वो हमारे पास आए कि भाई ये फिल्म बनानी है, तो हम उन्होंने बोला कि भाई जैसे सलमान साहब के पास तो इतना बड़ा टाइम होता नहीं है, वो बड़े लोग हैं, तो वो बोला अगर आप प्रेजेंट कर सकते हो तो आप कर लीजिए। तो हमने सोचा कि हम कर सकते हैं ऐसी कोई, हम तो हमेशा फिल्में ही बनाते हैं, तो अगर आप हमको चांस दें तो हम भी ये पिक्चर ज़रूर बनाएंगे। ये फिल्म क्यों करूं, पैसे तू कम दे रहा है, मैं क्यों करूं? कहता पोस्टर पे तेरा फोटो दे, मेरे से बड़ा होगा। पर बात सही है, ये तो आपको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैंने कहा तेरे से बड़ा तो मेरा वैसे ही होता है, कहता नहीं इसमें और बड़ा होगा। तो आई थिंक ही सेट कर ले। फिर शशि, थैंक यू फॉर सेंडिंग मी द रेस्ट ऑफ द मनी टू एवरी कास्ट मेंबर, शी डिड दैट। एवरी कास्ट मेंबर, every crew member, hats off to you for sending money to everyone. इतने सालों से प्रोड्यूसर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा और सबको भी कॉन्ग्रेचुलेशन और सलूट कि ऐसी फिल्म में आप लोग काम कर रहे हैं जो बहुत ही इमोशनल है। यस यस सर, कागज की कहानी आज की कहानी है, हर आदमी की कहानी है, इसलिए हमको ये पसंद आई और हमने इसको बनाना कबूल किया। ठीक है, तीन गाने हैं, अच्छा एक चार गाने हैं, सॉरी ये लोग साथ में नहीं रहते हैं। तीन हमने साथ मिलके बनाया और एक गाना और है इसके अंदर, एक थोड़ा सा रेवोल्यूशनरी सॉन्ग है जो गर्दा मचा आप लोग अभी सुन रहे थे यहाँ पे प्ले हो रहा था। एक गाना जो बाप बेटे का बॉन्डिंग है, एंड देर इज वन रोमांटिक सॉन्ग, एंड देर इज वन मोर सॉन्ग जो एक और कंपोजर उन्होंने बनाया है। टोटल फोर सॉन्ग्स आते हैं। आपके वो दोस्त रहे और बहुत अच्छे किरदार निभाए, लेकिन जो फिल्मों में उन्होंने किरदार निभाए हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा रोल रहा जो आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब है सतीश जी का? नहीं, मेरे को उससे एक फिल्म में, उन्होंने अंग्रेजी फिल्म में काम किया था ब्रिकलेन में, मुझे उससे जेलसी हुई थी बहुत। तो ब्रिकलेन करके एक फिल्म थी जिसके हम दोनों ने ऑडिशन दिया था, मैंने भी दिया था, और क्योंकि मैं उससे पहले बैंडिट लाइक बैकम कर चुका था, एक और अंग्रेजी पिक्चर कर चुका था, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि ये रोल भी मुझे मिलेगा, और वो उसको चला गया। तो मुझे दिलासा देने के लिए उसने क्या बोला, कहता तू टेंशन मत ले, उनको एक अगली आदमी चाहिए था। दोस्त को अच्छा महसूस कराने के लिए वो कुछ भी बोल सकता था। आई थिंक ब्रिकलेन वॉज हिज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेज, बहुत सारे लोगों ने शायद देखी नहीं होगी, बट अदरवाइज जो उनको रोल मिला उसको उन्होंने बड़ी बखूबी से निभाया है। आप बता दीजिए कि ये रोल कोई और कर सकता है, मैं भी नहीं कर सकता।
मतलब मैं भी नहीं क्या कर सकता, मतलब नहीं कर सकता भाई, चाहे कैलेंडर का रोल हो, चाहे डेविड की फिल्मों का रोल हो, जितने भी रोल उन्होंने किए वो वही कर सकते थे. एंड ही यूज्ड टू ब्रिंग इन एन एलिमेंट ऑफ राइटर आल्सो इन हिम, ही वाज अ ग्रेट राइटर आल्सो. देखिए जैसे इस मूवी में दिखाया गया कि आम जनता को कितना प्रॉब्लम होता है जब कोई पॉलिटिशियन या ऐसा कोई रैली निकालता है ये सारी चीजें, तो रियलिटी में भी सारी ये सारी चीजें होती है, लेकिन जनता काफी डर जाती है कि अगर उन्होंने आवाज उठाई तो इसका रिस्पांस कैसा होगा, रिएक्शन वगैरह कैसा होगा. आप देखोगे तो अगर पुलिस ने हेलमेट खुद ने नहीं पहना है, लेकिन आम जनता दिख रही कि उनका रॉन्ग है, लेकिन वो ये बोलने से भी डरते हैं कि भाई वो तो पुलिस है. तो अगर ऐसा सिचुएशन रियलिटी में आता है और कोई ये मुद्दा उठाता है, तो आपको क्या लगता है इसका उन्हें इंसाफ मिलेगा या क्या, लाइक व्हाट इज योर ओपिनियन? हमारी फिल्म भी इसी टॉपिक पे है और यही दर्शाती है कि आज के टाइम में सोशल मीडिया कितना पावरफुल हो गया है, हम लोग कितने जागरूक हो गए हैं हर चीज को लेकर. अभी अगर आप चेक करेंगे हर दिन सोशल मीडिया पर किसी न किसी, जैसे आपने कहा ट्रैफिक वाले पुलिस वाले हुए, तो उनके वीडियोस ऑलरेडी आने लग जाते हैं, या फिर लोग कितनी बार ट्वीट करते हैं कि ये रोड पे गलत हो रहा है. तो धीरे धीरे जो आवाज उठ रही है वही इस फिल्म में दिखाया गया है कि हम लोग कैसे, हम लोग जब आवाज उठाएंगे तभी हमारे हित में या लोगों के हित में बातें होंगी और उसका उनका फायदा होगा. तो यही हमारी फिल्म का भी टॉपिक है.